देखिए आज हमने बनाई है टॉर्टिला ब्रेड स्नैक्स रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिए है आलू, जिसे हमने बॉईल कर लिया है, और हमने लिए है टॉर्टिला ब्रेड। ये किसी भी सुपर मार्केट में इजिली अवेलेबल है, हमने होम मेड लिया है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और हमने लिए है 2 अंडे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू लिए है, अब हम इसे मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो ये देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिए है। हमने लिया है कढ़ाई, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। आप तेल की जगह पर बटर का भी यूज कर सकते हैं, और हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, और हम इसमें ऐड करेंगे मटर, हमने फ्रेश मटर का यूज करा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ गाजर, कटी हुई बीन्स और कटी हुई शिमला मिर्च। आप इसमें कोई भी सब्जी का यूज कर सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या फिर इसमें से जो सब्जी आपको पसंद नहीं हो आप उसे हटा भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और अब हमें सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए सब्जियां ठंडी हो चुकी है। हमने लिया है मैश करा हुआ आलू, अब हम सभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमने लिया है एक बाउल, अब हम इसमें अंडे को तोड़ लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। लिया है कढ़ाई, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। आप तेल की जगह पर बटर या फिर घी का भी यूज कर सकते हैं। हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अंडे वाला बैटर ऐड करेंगे। अभी हम 1/2 बैटर ऐड करेंगे, और अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। तो ये देखिए ये हल्का सा पक चुका है, अब हम इसके ऊपर टॉर्टिला ब्रेड रख देंगे, और हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंडे से चिपक जाए। अब हम इसे नीचे से पकने देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। ये नीचे से पक चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे, इसे आराम से पलटना है। अब हम इस पर सॉस लगा देंगे, आप कोई भी सॉस का यूज कर सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो। और अब हम इस पर तैयार करी हुई स्टफिंग को डाल देंगे, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ग्रेट करा हुआ मोज़रेला चीज। आप इसमें चेदर चीज का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, या फिर आप चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इसे इस तरह से आराम से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे एक साइड से हल्का पकने देंगे जब तक ब्रेड के ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए एक साइड से पक चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे, और अब हम दूसरे साइड पर भी गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सिका चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से एक और तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए टॉर्टिला ब्रेड स्नैक्स रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे जरूर बनाकर देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।